सो वेलकम बैक गाइस, खान व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं आ नहीं पा रहा था, अपने घर के कुछ कामों में व्यस्त था। बिजनेस में तो मैं व्यस्त रहता ही हूँ, तो बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था मेरा, जिसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के साथ आऊँ। तो अब आई होप कि मैं रेगुलरली बेसिस पे आता रहूँगा। तो आज व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ और अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। देखता हूँ कि अभी कुछ प्लान नहीं करा है और देखते हैं कहाँ जाते हैं। और अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर आएँ। खान व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, पूरी वीडियो देखना एंड तक, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन पर। तो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी लेके अपनी, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। मुझे कभी कभी बैकएक की प्रॉब्लम रहती है, तो अभी मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया है। मैं अचानक से खड़ा हुआ था, तो मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ गाड़ी रोककर, और मेडिसिन लूँगा अभी मैं। वाटर मेरे पास है ऑलरेडी, और उसके बाद थोड़ा सा जब मेरा पेन रिलीज़ हो जाएगा और पेन ठीक हो जाएगा उसके बाद, तो मैं फिर चलूँगा। तो अभी मैं साइड में गाड़ी रोक के रेस्ट कर रहा हूँ। तो कभी कभी होता है, आज काफ़ी दिनों के बाद हुआ ऐसा। अरिबा जी हैं। आज हम जा रहे हैं यहाँ से बहुत दूर घूमने एक फेमस जगह पे, न्यू पूरी एंड तक देखना। देखो मैं चुटकी बजाना सीख रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब तक। तो मैं कब तक सीखूंगी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बड़े होते होते मैं खुद ही सीख लूंगी अपने आप। तो फाइनली गाइस, मेरी फैमिली आ चुकी है और अभी मेरे कमर में दर्द ठीक होने लगा है थोड़ा थोड़ा, और अब हम लोग चलने वाले हैं जल्दी से, ठीक है जी? तो गाइस, हमारी मम्मा ले जा रही पापा के दुकान से दवाई, सर दर्द की, कमर दर्द की। आपको एंड में मिलते हैं। फिर मिलते हैं, जहां हम जा रहे हैं वहीं मिलते हैं। अभी डिसाइड नहीं करा है, दर्द की वजह से मेरा प्लान थोड़ा सा कैंसिल हो गया था, तो मैं रेस्ट करने लगा। यार जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो बच्चे जिद कर रहे हैं तो चले चलते हैं। अब हम फाइनली जा ही रहे हैं, दर्द जैसे मेरा पूरा ठीक हो जाएगा उसी के बाद निकलेंगे हम लोग। रास्ते में एक मस्जिद है बराबर में, उसके वहाँ नमाज पढ़ी, और ये ग्रेव यार्ड है। आओ इब्राहिम चलें, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। कार हम लोगों ने यहीं लगा लिए, आगे कार लगा लिए कोने पर। हाँ, चालान भी कट गया, कमर में भी अचानक से काफ़ी टाइम के बाद दर्द हो गया, और अब जो है वहाँ कार की जगह फुल थी जहाँ हम खाते, ये दूर लगानी पड़ी कार। देखते हैं और आगे क्या होता है। अब हम लोग आ चुके हैं गैस वालों के यहाँ पर, कंजेस्टेड सी जगह है लेकिन थोड़ी साफ़ सुथरी है, और अभी ऑर्डर करा बटर चिकन, तो आने वाला है। ये आ चुका है हमारा बटर चिकन। ये तेज मसाले का, मजा आ रहा है। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे, और आज काफ़ी परेशान हुए।
घूमने का प्लान था, तो काफ़ी देर तक तो मेरे कमर में दर्द रहा, और जब वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ पाया। हालांकि मैंने वोवेरोन ले ली थी, थोड़ा सा राहत हुई मुझे, और क्योंकि मैं बैठा मेरा कार में, फिर भी मुझे कोई ज़्यादा असर पड़ा नहीं। काफ़ी टाइम बाद मैंने कोई टैबलेट ली है दर्द के लिए। तो फिर हम लोग निकले वहाँ से इलियास चिकन वाले के पास, जो कि पंत हॉस्पिटल से थोड़ा से आ गई है लेफ्ट हैंड साइड पर, सीधे हाथ पे हज मंजिल पड़ती है, लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ा सा आप चलेंगे तो आपको इलियास बटर चिकन वाला मिल जाएगा। तो जाते वक्त हमें लक्ष्मी नगर पे रास्ते में हमारा चालान कट, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है ना, उससे थोड़ा आगे था मेरी गाड़ी, तो वहाँ चालान कट गया। तो वो रहा एक बैड एक्सपीरियंस, तो काफ़ी टाइम बाद मेरा चालान कटा। उसके बाद हम गए वहाँ पर, गए वहाँ जाके गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिली, कहीं और मिल गई, सेफ जगह थी लेकिन डर था कि दूर थी थोड़ी। वहाँ से खा पी के हम लोग आए, रास्ते में तो गाड़ी ख़राब हो गई, साइलेंसर उसका टूट गया, कुछ दिनों से ख़राब था, काफ़ी टाइम से ख़राब था, इग्नोर किया जा रहा था। तो अब वो टूटा तो फिर ठीक क्या करवाया, जुगाड़ लगा के उसे बंधवा दिया है, कल ठीक करा लेंगे। दिन जो आपका गुजरा जैसे तैसे गुजरा, अगर रात आप अपने घर पे तसल्ली से हो, ठीक है, और चैन की राहत की सांस ले रहे हो, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई टेंशन ना हो, तो वो समझ लो दिन आप जीत गए। चाहे जैसा भी दिन गुजरा हो, अब रात में मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं हैप्पी हूँ। खाना हम खा चुके हैं, घर पे सब मौजूद हैं, हम सब फ्री हो चुके हैं, भारी दिन था वो गुजर गया। ये भी अप डाउन तो चलता रहता लाइफ में, तो जैसा भी दिन था उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए और मुसीबत पे सब्र करना चाहिए। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग बनाने के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब से रेगुलर बेसिस पे व्लॉग आया करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।